एमसी जीरो लगता है अगर आप इनके नौ सौ निन्यानवे रुपए वाले प्लान को ले लेते हैं तो तो मैंने पहले से लेके रखा हुआ है यहाँ पे प्लान एंड मेरे को अभी लाइफ टाइम कोई ब्रोकरेज नहीं पे देना है तो वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम ऑर्डर लगाते हैं कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं कैसे प्रॉफिट बुक करते हैं सारा कुछ इस सिंगल वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता देने वाला हूँ तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए एंड यस yes, अगर आपने अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पे नौ सौ रुपए वाला प्लान सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे आपको ना तो यहाँ पे कोई ब्रोकरेज देना पड़े ना ही यहाँ पे कोई ए देनी पड़े तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आगे की सारी वीडियो मैं आपको यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे दिखाऊंगा यहाँ पे तो देख लीजिए एमस्टॉक का ये एप्लीकेशन है यहाँ पे मैंने पहले से अपना अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे आप सभी लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड आपने अगर पहले से अकाउंट ओपन करके रखा है एंड यहाँ पे आपका ए एम फ्री नहीं है तो नीचे जाके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेवर पे ब्रोकरेज एंड ए एम अगेन वाले पे जो है अपग्रेड नाव का ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करना होता है यहाँ पे बेसिकली दो प्लान होते हैं एक होता है हमारा ए के लिए और एक प्लान हमारा होता है ब्रोकरेज के लिए तो दोनों मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया है एंड देख लीजिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कंग्रेचुलेसन यू हैव मेड द बेस्ट चॉइस यानी मेरे को देखिए यहाँ पे किसी भी सेगमेंट के अंदर कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है चाहे इंट्राडे हो चाहे कमोडिटी करेंसी एफ कोई भी सेगमेंट के अंदर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो जीरो ब्रोकरेज मेरे को यहाँ पे देना पड़ता है तो मैंने यहाँ पे अपग्रेड कर लिया है एंड आप भी अपग्रेड कर लीजिएगा जिससे आप लोगों का ब्रोकरेज ना लगे एंड देख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन में जब आप लॉग कर लोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा होम पे आप लोगों को यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका एसेट दिखाई देगा टोटल कितना आपके पास कैश बचा हुआ है कितना आपने यहाँ पे इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है एंड यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो यहाँ पे फंड फंड अगर आपको ऐड करना है तो यहीं से आप सभी लोग ऐड कर सकते हो नीचे आप लोगों को निफ्टी फिफ्टी दिखाई देगा एंड बैंक निफ्टी दिखाई देगा तो हम यहीं में आज इन्हीं दोनों में से किसी एक में ट्रेड करने वाले हैं बेसिकली बैंक निफ्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो चलिए बैंक निफ्टी जो आपको दिखाई दे रहा है उसी पे अगर हम टैप करेंगे तो यहाँ पे हम देख पाएंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है वो हमको यहाँ पे दिखाई देंगे नीचे की तरफ एंड बगल में हमको यहाँ पे दिखाई देगा चार्ट का ऑप्शन यहाँ पे हम लोग चार्ट वगैरह भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड बैंक निफ्टी ओपन कहाँ हुआ था हाई कितना बनाया है लो कितना बनाया है ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं तो ऑप्शन चेन से बेसिकली यहाँ पे हम ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन भी हमको दिखाई दे रहा है क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चेन यहाँ पे खुल के आ जाएगा बैंक निफ्टी का एंड यहाँ पे देखिए जो लेटेस्ट का हमारा स्ट्राइक रेट रहता है ये सॉरी हमारा एक्सपायरी रहता है वो भी हमको यहाँ पे खुल के मिल जाता है एक्सपायरी अभी देखिए नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो तेरह अक्टूबर को है एंड यहाँ पे तेरह अक्टूबर बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट करके आ गया है अगर आपको दूसरे किसी एक्सपायरी में ट्रेड करनी है तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके दूसरी एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो आप सभी को बेसिकली पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी जो है वीकली एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी में एक हफ्ते के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं तो उसी के अंदर अंदर आप लोगों को खरीदना बेचना होता है तो ये चीजें तो हम समझ गए अब देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर एक तरफ सीधे कॉल पड़े हुए हैं यहाँ पे एंड एक तरफ सीधे यहाँ पे पड़े हुए हैं पुट ठीक है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी आप लोगों को साथ साथ में दिखाई दे रहा है कॉल का मतलब बेसिकली आपको पता है कि अगर आपको लगे कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप कॉल लेते हैं एंड इन केस अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी जहां है वहां से नीचे जाएगा तो आप लेते हैं पुट ठीक है आप पुट खरीदते हैं कॉल खरीदते हैं जब ऊपर लगता है एंड जब लगता है नीचे तो हम लोग पुट खरीदते हैं तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे आज के दिन लगभग एक एक यहाँ पे पॉइंट से एक परसेंट से नीचे यहाँ पे चल रहा है सॉरी चार सौ चालीस अंक यहाँ पे चार सौ चालीस पॉइंट यहाँ पे नीचे चल रहा है तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रेड ले रहा हूँ कॉल ले रहा हूँ ठीक है मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ बिल्कुल बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है तो आप लोग अपना रिस्क मैनेज करके ही चलिएगा ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए है अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है तो आप लोग बढ़िया से नॉलेज लीजिए सारी चीज़ों को यहाँ पे समझिए एनालाइज़ करिए उसके बाद ही ट्रेड लीजिए खुद के रिस्क के ऊपर ठीक है तो मैंने आपको बताया कि मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं लूँगा यहाँ पे एक कॉल तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन में हम यहाँ पर चलिए देखते हैं हमारे पास जितना फंड है उसी हिसाब से बेसिकली हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं लगभग चार हमारा फंड है यहाँ पर तो हम बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर कुछ उसी हिसाब से यहाँ पे कोई यहाँ पर ट्रेड ढूंढते हैं जिसमें हमारा चार लग जाए और उससे ज़्यादा पैसा ना लगे हमारा तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन खोल लिया है एंड चलिए मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उनतालीस हज़ार छः सौ का जो कॉल है वो लगभग चल रहा है अभी एक सौ सैंतालीस रुपये के ऊपर मैं इसी को यहाँ पे लेना लेना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया तो इनको यहाँ पे देखिए बाई एंड सेल दोनों का ही ऑप्शन आ रहा है बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन में आप लोग बाई भी कर सकते हैं ऑप्शन में आप सभी लोग सेल भी कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है और वो इंस्टीट्यूशन करते हैं जिसके पास बहुत पैसा होता है लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं मेरे आपकी तरह जिनके पास कम पैसा होता है वो लोग ऑप्शन बाई करते हैं तो मैं यहाँ बाई पे क्लिक करूंगा एंड ऑप्शन को मैं बाई करूंगा अभी देखिए प्राइस जो है अड़तालीस रुपये आ चुका है तो मैं इसको लेना चाहता हूँ पैंतालीस के ऊपर ठीक है यहाँ पे देखिए हमारा क्वांटिटी आ गया बैंक निफ्टी का क्वांटिटी में हम पच्चीस ही रहने देंगे बेसिकली एक लॉट के अंदर पच्चीस शेयर होते हैं बैंक निफ्टी के अंदर और अगर आप निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे पचास शेयर होते हैं ठीक है तो प्राइस के अंदर देखिए यहाँ पे जब तक हमने यहाँ पे एट मार्केट के ऊपर क्लिक नहीं किया हुआ है तब तक हम यहाँ पे अपने मन से प्राइस डाल सकते हैं ठीक है लेकिन हम जैसे यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करेंगे प्राइस हमें डालने का मौका नहीं मिलेगा एंड जैसे ही हम बाई पे क्लिक करेंगे हमारा जो यहाँ पे लॉट है एक लॉट वो तुरंत बाई हो जाएगा लेकिन मैं यहाँ पे इतना जल्दी मेरे को नहीं है मैं इसको एक सौ में बाई करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे चौवालीस डाल दिया एंड बाई पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे तो देखिए हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है व्यू ऑर्डर पे क्लिक करके आप सभी लोग ऑर्डर देख सकते हैं या फिर बैग जा करके आप लोग ऑर्डर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे भी ऑर्डर आप लोग देख सकते हैं बेसिकली पेंडिंग ऑर्डर में वो ऑर्डर होते हैं जिनका भाव आपसे मैच नहीं हुआ है अभी तक वो ऑर्डर यहाँ पे रहते हैं और जो ऑर्डर हमारा भाव पे आ गया होता है वो एग्जीक्यूटेड में चला जाता है ठीक है एग्जीक्यूटेड में देखिए हमारा ये ऑर्डर चला गया है क्योंकि हमारा जो भाव है वो अभी अभी यहाँ पे आ गया और ये पेंडिंग से गायब होकर सीधे एग्जीक्यूटेड में आ गया हमारा भाव जो था उतना आ गया है और उससे भी थोड़ा सा नीचे यहाँ पे चला गया है बैंक निफ्टी देखिए हमने चौवालीस पे लिया था लगभग ये इकतालीस बयालीस पे आ गया है तो अपने ऑर्डर पे जाने के लिए हमको पोजिशन वाले पे क्लिक करना होगा ऑर्डर वाले सेक्शन में ही यहाँ पे पोजिशन दिखाई देगा यहाँ पे हम देख पाएंगे हमको कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है तो अभी देख लीजिए मेरे को यहाँ पे टोटल जो है बाईस रुपए का लॉस हो रहा है अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पे स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए जो भी आपने ऑर्डर लिया है उस बस टैप करना है आप लोगों को एंड यहाँ पे देखिए एग्जिट का ऑप्शन दिखाई देगा एग्जिट पे पे क्लिक क्लिक करिए एंड एडवांस का आपको ऑप्शन दिखाई देता है उस पे क्लिक करेंगे आप सभी लोग तो देखेंगे दो टाइप के यहाँ पे आप लोगों को स्टॉप लॉस दिखाई देते हैं एक स्टॉप लॉस लिमिट दिखाई देता है दूसरा स्टॉप लॉस मार्केट इससे मतलब नहीं है इसको आप लोग ट्राई मत करिएगा इसके बारे में कोई और वीडियो हम बनाएंगे लेकिन आप लोग स्टॉप लॉस लिमिट को ट्राई करिएगा तो मैंने जो ये लॉट है वो लगभग एक सौ में लिया था तो मैं चाहता हूँ एक के नीचे अगर ये जाए तो इसको सेल कर दीजिएगा तब मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं प्राइस के अंदर एक सौ डालूंगा लेकिन जो नीचे देखिए हमको ट्रिगर प्राइस दिखाई दे रहा है इसके अंदर हम लोग प्राइस से ज़्यादा थोड़ा सा डालते हैं चाहे दस पैसा ही आप लोग डालिए बढ़ा के लेकिन यहाँ पे आपको बढ़ा के डालना होगा जब आप सेल कर रहे हैं तो तो मैं एक सौ इक्तीस रुपये यहाँ पे डाल देता हूँ सीधे सीधे एंड सेल पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारा जो स्टॉप लॉस है देखिए वो लग चुका है इसको हम बैक आके देख सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर में ये स्टॉप लॉस हमारा पड़ा रहेगा ठीक है तो इस तरह से हम स्टॉप लॉस लगा करके अपनी जो यहाँ पे नुकसान है उसको हम काफ़ी लिमिट कर सकते हैं ज़्यादा हमको नुकसान ना हो इसीलिए स्टॉप इस लॉस होता है तो इसको ज़रूर से आप लोग ट्राई करिएगा स्टॉप लॉस ज़रूर से लगाइए अभी देखिए ऑर्डर में हम चलते हैं अपने और देखते हैं यहाँ पर हमको जो लॉस है वो अभी भी हो रहा है एंड अगर हमको देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस तो हमने लगा दिया है लेकिन अचानक से हमको लगे कि हमारा जो ऑर्डर है वो प्रॉफिट में जा रहा है एंड हमको उससे निकलना हुआ कभी तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे अपने ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे पेंडिंग ऑर्डर में जो भी है उसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे ठीक है जो भी ऑर्डर हमारा लगा हुआ है पेंडिंग ऑर्डर में उसको हम यहाँ पे करेंगे कैंसिल इसके बाद ही हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल किया इसके बाद ही हम यहाँ पे सेल कर पाएंगे तो देखिए एग्जिट का ऑप्शन आता है उसी पे क्लिक करने के बाद पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ पे पे प्राइस का ऑप्शन हमको आएगा चौवालीस ही कर देता हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो जल्दी खत्म करना है पैतालीस पे मैं क्लिक करके पे पे सेल पे क्लिक करूंगा तो ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाएगा और जैसे ही हमारा ऑर्डर पैतालीस पे आता है ये तुरंत का तुरंत यहाँ पे सेल हो जाएगा अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है देखते हैं कितने देर पड़ा रहता है तो हमारा जो भाव था दोस्तों यहाँ पे पैतालीस का वो आ चुका है और पेंडिंग ऑर्डर हमारा हो गया यहाँ पे खत्म वो चल गया एग्जीक्यूटेड के अंदर और हमारा जो ऑर्डर था वो यहाँ पे सेल हो चुका है एंड हमारा जो पोजीशन है उसमें जाके हम चेक कर सकते हैं हमको कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है तो यहाँ पे देखिए मेरे को लगभग पच्चीस रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया है तो इस तरह से हम सभी लोग यहाँ पे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो ट्रेड कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के एंड अपना जो है पोजीशन उसको एग्जिट कर सकते हैं तो सारा कुछ मैंने बताया आपको अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा आपको तुरंत का तुरंत रिप्लाई मैं दूंगा यहाँ पे दस मिनट के अंदर बेसिकली हमारे चैनल पे रिप्लाई आपको मिल जाएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी थैंक यू सो मच धन्यवाद